I welcome you all in our channel Simply for Civils. So today's topic of discussion is Indian Constitution under the initiative of Vichar Manthan. Polity आपका पहला subject है जो NCERT series के अंदर cover किया जाएगा. Idea है 6th से लेके class 11 तक की NCERTs को cover करना. ये वाली NCERTs आपके exam के लिए relevant है. So without wasting time, let's get started. Now we have to understand the philosophy of Indian Constitution. देखो philosophy समझने का मतलब क्या है कि जब आप philosophy समझ लेते हो तो आप constitution का substance समझ रहे हो, constitution की soul समझ रहे हो, reason समझ रहे हो कि constitution की ज़रूरत क्या थी, और अगर constitution बना तो उसमें बनने वाले different provisions थे, उन provisions को क्यों लाया गया, क्या सोच के जो है constitution के अंदर different articles डाले गए, constitution makers का आइडिया क्या था, बेसिकली कौन से आइडियल्स थे जिनको परस्यू करने के लिए उनको अपने आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट करना पड़ा, और आज उन डॉक्यूमेंट्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है दिन रात परस्यू कर रही है आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेक श्योर किया जाए, ज़मीन पर उतारा जाए. अब देखो उस फिलॉसफी का एक पॉइंट अच्छा ये भी है कि जैसे मान लो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है MCQ की फॉर्म में और आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं ऑप्शंस, तो उसमें दो ऑप्शंस ऐसी हैं जो प्रोविजंस आपको नहीं पता थी, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिलॉसफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की समझते हो अच्छे से तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो सिंपली बिकॉज आप कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया समझते हो. ऑलराइट, और जैसे मान लो मेंस एग्जाम में भी कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका जो आपने कभी सुने भी नहीं होते, बेसिकली आपको बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिनके अराउंड को आप कुछ ना कुछ अच्छा लिख के ही आते हो. वहाँ पे टाइम प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, सभी लोग बुरा ही आंसर लिख रहे होते हैं या एवरेज आंसर लिख रहे होते हैं, आपको कम बुरा लिखना है, आपको अबव एवरेज लिखना है. सो मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझोगे. फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बेड रॉक है पूरी पॉलिटी का. देर इज नो फिक्स्ड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेटिक है तो क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस को अप्रिशिएट किया जाता है सर. यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियोलॉजी, एक सेट ऑफ जो आइडियाज सीधे सीधे हम लोगों के ऊपर डाल नहीं सकते. ये एक इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर है, इगैलिटेरियन, जहाँ सबका भला हो रहा है, भला होना चाहिए. सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है ये, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है ताकि जो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो सके. यहाँ माइनॉरिटीज़ को राइट दिए गए हैं, दो तरह की माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज की जाती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. इनके साथ साथ जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे SC ST हैं, उनके भले के लिए कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं. कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर रिजर्वेशन, ताकि जो भी हिस्टोरिकली उनके साथ बुरा हुआ है उसको अंडू किया जा सके, उनको कुछ रिलीफ दिया जा सके. मेक श्योर एक ऐसी स्थिति बनाई जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे सबके साथ भला हो, और जिनके साथ बहुत बहुत सालों से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके उनका डेप्रिवेशन हुआ है, तो पहले हम उनको अपने लेवल पे तो लेकर के आए, पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही सर जो है ये बेसिकली प्लेन की तरह है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी प्लेन की तरह है, आपको पहले सबको बोर्ड कराना पड़ेगा प्लेन के ऊपर, तब ना आप टेक ऑफ करोगे. किसी को जो है नीचे बैठा के, किसी को बोनट पे बैठा दोगे, किसी को सीट्स पे, इस तरह से टेक ऑफ आप नहीं कर सकते, इट विल क्रैश समडे. आप अपने बगल में देख लो एक देश. कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है ये कमिटेड है नेशनल कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने की तरफ. कलेक्टिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि सबको साथ लेके चलने वाली बात. यहाँ पे फ्रीडम के ऊपर जोर दिया जाता है, इक्वालिटी की तरफ जोर दिया जा रहा है, सोशल जस्टिस की तरफ ध्यान है सरकार का. सरकार का क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होता है हमारे फिलॉसफी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी. और अगर कोई पॉइंट ना आपके सामने आए ना मेंस में, तो आप यही पॉइंट्स लिख दोगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ नेशनल यूनिटी की तरफ फोकस है. देखो ये जितने भी मैंने आइडियल्स आपको अभी बताए हैं, इनको प्रैक्टिस में लेके आने के लिए एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स की ज़रूरत है. अगर हमको कोई चेंज लेके आना है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज अगर इंडियन सोसाइटी में लेके आना है, तो हमें पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स को परस्यू करना पड़ेगा. डेमोक्रेटिक मेजर्स से ही हम लेके आएंगे. सबसे पहले बात हम कर लेते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की. इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या मतलब है? इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है कि आज़ादी. आज़ादी ऑफ वॉट? टू परस्यू हिज ड्रीम्स, टू परस्यू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ.
जितने भी रोड़े सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रोड़े उसकी लाइफ में हैं उनको हटाया जाए सरकार की तरफ से, ऐसी व्यवस्था बने कि हर एक को मौका मिले अपने आप को प्रूफ करने का। इंडिविजुअल फ्रीडम की अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये बेसिकली आउटकम है आपके वेरियस इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल स्ट्रगल का, जो अंग्रेजों के टाइम पे हमारे लीडर्स ने करी। हमारे सबसे बड़े लीडर राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, वाई? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडिविजुअल फ्रीडम। राममोहन का मानना था कि लोगों को सरकार से, गवर्नमेंट से कुछ आशाएं होती हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी सरकार से, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कैसे कन्वे करेंगे? उनको कन्वे करने के लिए कोई मीन्स तो चाहिए ना। अगर सरकार पहले ही फ्रीडम, अगर सरकार उनको फ्रीडम ही नहीं देगी प्रेस को, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे? ही सेड दैट द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल विल एबल टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड टू द गवर्नमेंट थ्रू प्रेस, एंड दैट इज वाई देयर इंडिविजुअल फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट। और आज आप देख रहे हो आर्टिकल 19 के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो वो आज ऐसे ही थोड़ी ना मिल गया है। वो राम मोहन और उनके जैसे लोगों के, उन जैसी विचारधारा रखने वाले प्रोग्रेसिव लोगों की वजह से मिल गया आपको आज। हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट का मतलब था अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ऐसी व्यवस्था में रहना चाहोगे आप जहां बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लें, बिना केस आपके ऊपर चलाए आपको जेल में डाल दें, पनिश कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। उस समय देश बहुत से हालातों से जूझ रहा था, हमने बहुत बुरा टाइम देखा। उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को इलीगली डिटेन कर लेना बिना सबूत के, बिना वारंट इशू किए हुए, उसको सजा दे देना, पनिश करना, ये तो कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है, ये तो एरिस्टोक्रेसी है, ये एनार्की है, ये क्योस है, ये सरकार की तरफ से लगाए हुए एरिस्टोक्रेटिक प्रोविजंस हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऐसी सोच की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। आज आपके पास आर्टिकल 20 है, जिसमें कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस है, यू कैन डिफेंड योर केस थ्रू योर वकील। आर्टिकल 22, आपको कोई इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता था, डिटेन नहीं कर सकता कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई हैं थ्रू रिट ज्यूरिस्डिक्शंस, 226 आर्टिकल इसमें और 32 में इसको दे रखी हैं कि जी अगर कोई आपको इलीगली डिटेन करता है आप कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट आपको रिलीज करवाएगा अंडर हेबियस कॉर्पस रिट। हेबियस कॉर्पस या पढ़ोगे फंडामेंटल राइट में। देखो इंडिविजुअल फ्रीडम को हम एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। वेस्ट मतलब अमेरिका या आपका जो यूरोपियन सोसाइटी है। देखो वेस्ट में क्या है कि यहाँ प्रिविलेजेस दिए गए हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, यहाँ कम्युनिटी वैल्यूज और सोशल जस्टिस की तरफ ज्यादा फोकस नहीं है, जबकि इंडिया में इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ ज्यादा फोकस इस तरफ है कि इस फ्रीडम का बेसिक आइडिया होना चाहिए सोशल जस्टिस, जैसे रिजर्वेशन के थ्रू, सो दैट वी कैन अनडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस बीन डन बाय द डोमिनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो इंडिया में क्या है कि ना, यहाँ का कम्युनिटी स्ट्रक्चर समझो आप कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर समझो कैसा है। यहाँ एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हावी हो जाती है, तो अगर जो दबी हुई कम्युनिटी होगी उसका कोई पर्सन अगर सोशियो पोलिटिकली इकोनॉमिकली वेलबींग हो भी जाता है, फिर भी वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड रहेगा क्योंकि उसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। किससे मिलेगा सोशल जस्टिस? इनसे जो डोमिनेट करके बैठे हुए हैं पूरे स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को। ये आइडिया है बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम इंडिया के अंदर। अब हम माइनॉरिटीज के बारे में देख लेते हैं। देखो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ठीक है? ये मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टी कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके अपने वैल्यूज हैं, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं, रिलीजन है, ट्रेडिशंस हैं। अब इंडिया में क्या है कि ना, हिरार्किकल स्ट्रक्चर है। यहाँ हम कास्ट में बटे हुए हैं, क्लास में बटे हुए हैं, रीजन में बटे हुए हैं, रिलीजन में बटे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में बटे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी राइवलरी क्रिएट होती है, राइवलरी से आगे म्यूचुअल हेट्रेड, और हेट्रेड से आपको पता है आगे वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, और ये हेट्रेड जो है सोसाइटी में और ज्यादा इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, और इसी इनसिक्योरिटी का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोचना है कि आपकी ये जो राइवलरी है इसको कैसे कम किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि सारी कम्युनिटीज अपने डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें आपस में और एक लिबरल अप्रोच रखें, सो दैट इंश्योर हो कि सबके पास एक इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सबके पास डिग्निटी हो, एक अच्छा मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ हो। ऐसी इस व्यवस्था बनाने का एक तरीका है, या तो आप जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज ही ना करो, यू डू नॉट रिकॉग्नाइज, तो क्या हो गया, 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 15,000 लोगों की कम्युनिटी के राइट्स को अगर एक साइड में रख भी देते हैं तो क्या हो गया? ऐसी सोच बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि ये बहुत ही अनवर्केबल अनवर्केबल सोल्यूशन है।
ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करने वाला है, ये बहुत ही अनडिजायरेबल है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के राइवलरी को और ज़्यादा क्रिएट करेगा। आप अपने पास की एग्जाम्पल उठा लो पाकिस्तान की, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह का रिलीजन, एक ही तरह की व्यवस्था, पूरे डेमोक्रेटिक आइडिया के ही खिलाफ है। बट इंडिया में क्या है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पे रेकग्नाइज करते हैं, यहाँ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि उनके वैल्यू, लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशंस को फुली रिकॉग्नाइज किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर जो है डोमिनेट ही ना करे। इसीलिए इनको फ्रीडम दिया गया है, राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ये अपनी भाषा, अपने वैल्यूज, अपने कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशंस, अपने आइडियाज, बिलीव, थॉट्स प्रोपिगेट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। नेक्स्ट है हमारा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो एस्पेक्ट्स में समझेंगे, एक इंडिया और वेस्ट के मॉडल में। देखो वेस्ट और यूरोप में क्या है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग चलता है, देर इज नो इंटरफेरेंस, दैट इज द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूशन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्यों सर? देखो अगर स्टेट और रिलीजन साथ साथ हो जाएंगे तो रिलीजन क्या करेगा, लोगों को डिक्टेट करेगा कि भैया ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये गॉड है, ये प्रे करने का तरीका है, आपको ऐसे चलना है, आपको वैसे करना है। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल की जो रिलीजियस फ्रीडम है वो वायलेट हो जाएगी, वो बोलेंगे सर हमें चलने नहीं दे रहे हैं ये रिलीजन वाले। ऑन द अदर हैंड अगर स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगी तो लोगों के इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करेगा। इसलिए वहां पे ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कट है कि जी रिलीजन अपनी तरफ, स्टेट अपनी तरफ। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। इंडिया में इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी की तरफ ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इक्वालिटी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया में क्या है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर जाती है और डोमिनेट है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से एंड रिपीट दिस फैक्ट दैट इंडिया में इंसान का जो स्टेटस है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ हिज कम्युनिटी ही विच ही और हर बिलोंग्स टू। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अनटचेबिलिटी था, ठीक है, उसको रिमूव किया, सती था वो खत्म हुआ, आज ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, और ऐसी बहुत सारी व्यवस्था थी, बहुत सारे सामाजिक बुराइयां थी जिसको लोग क्या करते थे कि रिलीजन के चश्मे से लेजिटिमाइज करते थे। रिलीजन से उस आर्गुमेंट को प्रूफ किया जाता था कि रिलीजन के हिसाब से ये सब चीजें सही हैं। बट ये चीजें उन लोगों से जाके पूछो जो इस व्यवस्था से प्रताड़ित थे, एंड इन दैट केस गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन सर। रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम को तहस नहस नहीं कर सकते। इंडिया में इसीलिए इंटरवेंशन का प्रोविजन है, हर रिलीजन से एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखा हुआ है सरकार ने। जी हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हमारा कोई अपना रिलीजन नहीं है, बट हाँ अगर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर हावी होता है या एक माइनॉरिटी रिलीजन जो है इफ़ इट इज़ फीलिंग एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी तो हम आप उनको मदद करेंगे सोशियो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, उनको फंड्स देंगे, सब्सिडी देंगे। बट ये ऐसा ना हो कि जो अदर रिलीजन वाले हैं वो ये फील करना शुरू कर दें कि जी हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, देन आई वुड से दैट द होल पर्पज ऑफ सेकुलरिज्म विल डीरेल। दैट विल बी सूडो सेकुलरिज्म इन दैट सेंस, दैट विल बी सूडो सेकुलरिज्म। और वो एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा प्रेजिडेंस सोसाइटी में पैदा नहीं करेगा, वो कम्युनल हेट्रेड को और ज्यादा बढ़ावा देगा। स्टेट को इसीलिए प्रोग्रेसिवली इंटरवीन करना पड़ता है। अगर स्टेट एक प्रिंसिपल आर्म डिस्टेंस बना के रखेगी हर रिलीजन से, तभी ना उनको ये चीज से कन्विंस होंगे कि सरकार का देखो कोई अपना रिलीजन नहीं है, बट सरकार जो वीक रिलीजन है उनको उनको हेल्प आउट कर रही है। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन सी दैट वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में किस लेवल का अपीजमेंट होता है। सी वाई वी नीड सेकुलरिज्म, द फर्स्ट रीजन इज टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ मेजोरिटी। टायरनी ऑफ मेजोरिटी, अभी मैंने आपको बताया एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर हावी ना हो जाए। माइनॉरिटी रिलीजन शुड फील सेफ, दे शुड बी सिक्योर इन परसुइंग एंड प्रोपिगेटिंग द रिलीजन। सेकेंड रीजन है डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, वहां पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाए, हर एक की विचारधारा, हर एक के बिलीफ को, हर एक थॉट्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उनको भी इक्वली मौका मिलना चाहिए अपनी बात को समझाने का, अपने रिलीजन का विस्तार करने का, प्रचार करने का उनको राइट होना चाहिए। थर्ड है फ्रीडम ऑफ बिलीफ। फ्रीडम ऑफ बिलीफ का मतलब है कि उनको इंटरप्रिटेशन करने का फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन दे वॉन्ट, दे शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन इन एनी वे दे वॉन्ट टू। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी डिस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन लेकर के आ जाओ और समाज को, देश को, पूरी व्यवस्था को एक खतरे में डाल दो। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप किसी भी
थॉट से सब्सक्राइब हो सकते हो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, आपको कोई फोर्सफुली कोई चीज़ें सब्जुगेट नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म का मतलब है कि यहाँ पे हर एक को मौका मिलना चाहिए, स्टेट जो है एज अ स्टेट रिलीजन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एंडोर्स नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक को खत्म किया, ट्रिपल तलाक के पीछे आइडिया यही था कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे। आप ये बोलो कि जी ये हमारा सेकुलरिज्म है, ये हमारा रिलीजियस राइट है, या सो कॉल्ड हमारा इंटरनल रिलीजियस मैटर है, दिस इज नॉट सो इंटरनल रिलीजियस मैटर सर, दिस इज कंप्लीट ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बेसिक आइडिया पता लगा होगा आज कॉन्स्टिट्यूशन का। अगेन रीड लेस थिंक मोर, और ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा डू कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक द कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच।